ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। सो यूके के अंदर जनवरी इनटेक की एडमिशंस इस समय जोरों पे चल रही थी और अगले कुछ दिन तक कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ की चलेंगी क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ एडमिशंस बंद कर चुकी हैं जनवरी इनटेक की। अब जो एडमिशंस ज़्यादातर चल रही हैं वो चल रही हैं फेब और मार्च इनटेक के लिए। अब जैन इनटेक के लिए जो आपके कास हैं वो आपको टाइमली अप्लाई करने हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन है कास लेटर अप्लाई करने की वो 30th of November है, कई यूनिवर्सिटीज़ की उससे भी पहले है। सो अपने कास लेटर्स टाइमली अप्लाई कर लें बिकॉज ये जो जनवरी इनटेक होता है इसमें हमेशा यूनिवर्सिटीज़ का ये टारगेट होता है कि आप लोग अपने कास जो हैं वो दिसंबर में हासिल कर लें ताकि आप जनवरी में ऑन टाइम आ सकें, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के अंदर बहुत सी छुट्टियाँ आती हैं न्यू ईयर हॉलीडेज़ की, जिसके कारण काफ़ी फिर वीज़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, टाइम पीरियड आगे पीछे हो जाते हैं। तो वो इसीलिए हमेशा यूनिवर्सिटी सब कुछ नवंबर में ख़त्म कर देती है ताकि बच्चे जनवरी इनटेक ज्वाइन कर सकें और उनको हॉलीडेज़ ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। सो अप्लाई योर एप्लीकेशंस एज सून एज पॉसिबल जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। कास्ट लेटर्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें, अपने कंसल्टेंट जिससे भी आपने अप्लाई किया भाई उससे कॉपरेट कर लें, चीज़ों को समझ लें ध्यानपूर्वक और अपनी चीज़ों को इनिशिएट कर लें। और दूसरी चीज़ जो अब स्पाउस आगे इनटेक्स में नहीं जा सकेंगे वो जा सकते हैं अब टायर टू वीज़ा के ज़रिए। सो टायर टू वीज़ा के अंदर वर्क परमिट के अंदर चाहे आप प्लस टू पास हैं और चाहे आप ग्रेजुएट हैं, आप दोनों ही अपने स्पाउस को साथ ले जा सकते हैं और यूके अपनी फैमिली के साथ पहुंच सकते हैं। जो दोस्त उसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी हमारी टीम्स को मिल सकते हैं। ब्रॉडवे के साथ चाहे आप स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हो चाहे टायर टू वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा कि आपने पैसे देने हैं वीज़ा लगने के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।